सोने एवं चांदी के आभूषणों की अनुपम श्रृंखला लक्ष्मी नारायण ज्वेलर, संपूर्ण हॉलमार्क ज्वेलरी। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे, दिल्ली रोड, सागर। वीड़ावादिनी माँ सरस्वती की बसंत पंचमी पर पूजन अर्चन किया जाता है। ऐसे ही जो भी विद्या का अर्जन करने वाले होते हैं या कलाकार होते हैं, उनके द्वारा पेन पेंसिल या अपनी कला में उपयोग होने वाली चीजों का पूजन किया जाता है। बुंदेलखंड में भी रागों का अपना महत्व है। इसके लिए अलग और प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है जो आधुनिकता के दौर में विलुप्त होते जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इनका संरक्षण करने में लगे हुए हैं। सागर की वैदिक लोक संस्कृति कला संस्थान भी वर्षों से इसको सहेजने में लगे हुए हैं। पूर्वियाओं पर पूजन कार्यक्रम हुआ। इसके साथ ही अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में निपुण लोक कलाकार शामिल हुए, जिन्होंने बताया कि यह बात भी ठीक है कि यंत्र को बजाने वाले ही गायब होते जा रहे हैं। ऐसे में इनको बचाने के लिए यह संस्था काम कर रही है। कार्यक्रम के लिए लोगों के द्वारा बुलाया जाता है, जहां मंडली के साथ पहुंचते हैं। ये काफी समय से हम लोग लोक संस्कृति पर काम कर रहे हैं, वो बुंदेली लोक वाद्यों पे, और मैंने सोचा कि क्यों ना बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में लोकवाद्यों की पूजन की जाए, क्योंकि सरस्वती जी की पूजन तो हर जगह होती है। मैंने ये परंपरा मतलब डाली है और जो वाद्यंत्रों का पूजा हो, और मैं चाहता हूँ कि इसके माध्यम से पुराने लोकवाद्य जो हैं, लोक संस्कृति जो विलुप्त तो हो रही है अपनी, जो मोबाइल डीजे के दौर में युवा पीढ़ी जिनको पता नहीं है कि लोकवाद्य हमारे क्या हैं, तो वो भी जीवित रहें और उनको पहचाने हमारे युवा पीढ़ी के लोग। इसी के माध्यम से लोकवाद्यों की पूजा की जाती करते हैं हम लोग। कौन कौन से वाद्य यंत्र हैं और ये कितने समय से चले आ रहे हैं, ऐसे कितने पुराने होंगे? जी, ये तो काफ़ी लंबे समय से, प्राचीन काल से चले आ रहे हैं, क्योंकि जब से मैंने मतलब समारोह, पुराने लोग भी बताते थे कि लंबे समय से लोकवाद्य चल रहे हैं, जैसे रमतूला, ढपला, नक्काड़ा, जो नौटंकी में पहले बजाया जाता था, तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट। अनुपम श्रृंखला, लक्ष्मी नारायण ज्वेलर, संपूर्ण हॉलमार्क ज्वेलरी, एंटी कुंदन, पोलकी, इटालियन ज्वेलरी, IGI द्वारा प्रमाणित डायमंड ज्वेलरी एवं राशि रत्न। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे, दिल्ली रोड, सागर।